अब विमानों पर अनियंत्रित व्यवहार भारत में एक जुर्म और दंडनीय कार्य है। वर्बल अब्यूज, शारीरिक हिंसा और अभद्रता के लिए यात्रियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। एयर इंडिया की विभिन्न उड़ानों में महिला सह यात्रियों पर पुरुषों द्वारा पेशाब करने की दो घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं, जिससे आक्रोश फैल गया है। एयर रेज की ऐसी घटनाएं अब आम होने के साथ ही ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो किसी यात्री को नो फ्लाइट सूची में डाल सकते हैं? DGCA द्वारा जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स विमानों पर अनियंत्रित व्यवहार को अपराध और दंडनीय मानता है। शुक्रवार को जारी की गई एडवाइजरी में पायलटों, केबिन क्रू और इन फ्लाइट सेवाओं के निदेशकों की जिम्मेदारियां साफ कर दी गई हैं। संबंधित एयरलाइंस के पास यात्री को बैन करने की भी क्षमता है। DGCA के अनुसार अनियंत्रित व्यवहार की एक सूची में शराब या नशीली दवाओं का सेवन शामिल है। विमान में धूम्रपान करना, केबिन क्रू या अन्य यात्रियों के प्रति धमकी या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, इसमें लेवल 1, 2 या 3 की कैटेगरी में आप आ सकते हैं। लेवल 1 में फिजिकल बिहेवियर, वर्बल अब्यूज, अनियंत्रित नशा जैसे व्यवहार शामिल है। इससे 3 महीने तक का बैन लग सकता है। इसके अलावा धक्का देना, लात मारना, मारना, पकड़ना या अनुचित स्पर्श या यौन उत्पीड़न स्तर 2 में आएगा। इससे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। स्तर 3 में लाइफ थ्रेटनिंग व्यवहार शामिल है, जैसे कि विमान ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, शारीरिक हिंसा जैसे घुटना, आंखें फोड़ना, जानलेवा हमला आदि। ऐसे में बैन मिनिमम 2 साल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस गाइडलाइंस के बारे में और इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।